दोस्तों वेलकम टू अ न्यू सीरीज़ ऑफ़ वीडियोज़ दर आई बी डूइंग विच इज़ अबाउट द रियलिटी ऑफ कॉलेज बी स्कूल्स बी स्कूल्स एंड कॉलेजेस आपने मुझे पहले एक और चैनल में देखा होगा जिसमें मैं तीन पैरामीटर्स से कॉलेजेस को रेट करके उनकी रियलिटी बताता था और ये तीन पैरामीटर्स से क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट सैलरी और आर यही तीन पैरामीटर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जनरली जब लोग बी स्कूल चूज करते हैं जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में होना भी चाहिए और इसीलिए इन तीनों पैरामीटर्स को हम अच्छे से जज करेंगे सारे बी स्कूल्स को और ऑन अ टेन uh, पॉइंटर हम इसको रेटिंग देंगे ठीक है आज का कॉलेज है जमुनालाल बजाज एक बात बताऊं मैं इंडिया में दो टॉप कॉलेजेस है फार कॉलेजेस हैं एक्चुअली तीन फार कॉलेजेस हैं जो बहुत ही अच्छा आर देती है और अपने फील्ड में आपको टॉप बना देती है अगर आप वहाँ से एम करो तो uh, उसमें दो रेड बिल्डिंग वाले कॉलेजेज है एक एफ एम एस एक जे बी आई एम बजाज और एक और टीस एच ठीक है एम वाले बच्चों के लिए जेबीआई एम एस इज दी बेस्ट कॉलेज और uh, मतलब ये बहुत ही इसको सी फैक्ट्री बोला जाता है एक्चुअली बी स्कूल सर्कल में ना हर कॉलेज सॉरी इंडस्ट्री सर्कल में और बी स्कूल सर्कल में भी हर कॉलेज का एक डिकनेम है और जे बी आई एम एस को सी फैक्ट्री बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सी निकल के आए हैं बहुत सारे एफ कंपनीज़ के स्पेशली सी जो निकल के आए थे देखा गया था टू में टू थाउजेंड में डेकेड में ये जे के एलुमनाई थे माई डियर फ्रेंड्स इससे पता पड़ता है कि कितना तगड़ा कॉलेज है जे इसकी खास बातें क्या है मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा उतनी कुछ बड़ी नहीं है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसका फीस बहुत कम है और ये बॉम्बे में है रेड बिल्डिंग है एफएमएस की तरह ही आप मान सकते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका सबसे पॉपुलर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो प्रोग्राम है एमएमएस, यहाँ पे सीट्स तो 156 है लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऑल इंडिया सीट्स सिर्फ 18 हैं फिर भी इसके लिए इतनी मार क्यों होती है क्योंकि इसका आर बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको एम नाम का एग्जाम के लिए अपेयर करना ही पड़ेगा और फिर डी महाराष्ट्र का एक कैप प्रोसेस होता है उसमें भी आपको बैठना पड़ेगा दोस्तों तो ये बात तो साफ है कि जमनालाल बजाज एक बहुत ही ऑसम कॉलेज है आर बहुत ही अच्छा है लेकिन यहाँ पे एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सीट्स बहुत टफ है कट ऑफ बहुत हाई है लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जो जनरल बजाज में एडमिशन के लिए और इस एग्जाम के लिए सीई वाले एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे से केटर करता है उसका नाम है द टॉप पर्सेंटाइल द टॉप पर्सेंटाइल इज एक्चुअली फाउंडेड बाई जे बी आई एम एस एलोनाई एंड पीपल हु स्कोर्ड नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट डाइल इन सी ई टी क्या करता है आपको वन ऑन वन मेंटरशिप देता है जमनालाल बजाज के स्टूडेंट्स के साथ जे बी आई एम एस के स्टूडेंट्स के साथ सो so देट आप टेलर करके पर्सनलाइज वे में प्रिपरेशन uh, कर सको टू गेट एडमिशन इन टू जे बी आई एम एस यहाँ के मेंटर्स वीकली ग्रुप डिस्कशंस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ सो so दैट आपका 99.99 नाइन .99 पॉइंट नाइन नाइन आए uh, ये कह रहे हैं कि इनके चालीस स्टूडेंट्स ने पिछले तीन साल में Uh, महाराष्ट्र नॉन महाराष्ट्र लेके जे बी आई एम एस क्रैक किया है और काफी सारे ने, साथ ने, साथ ने कर तो काफी सारों ने किया है इस साल इनके 17 स्टूडेंट्स जे बी आई एम एस गए हैं जिसका मतलब है कि 10 परसेंट से ज्यादा बैच जे बी आई एम एस का यहाँ इनके को, इनके प्लेटफॉर्म से पढ़ के गया है ता -टौप, ता -टौप से पढ़ के गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेक कर सकते हो इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पे वीकली यूट्यूब लाइव सेशंस भी होता है और जे बी इसके सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे अब इनकी आर अच्छी क्यों है क्योंकि ओपन कैंडिडेट्स के लिए इनकी फीस छह लाख है छह लाख के फीस में आपको बीस लाख से ऊपर की सैलरी मिल रही है तो बहुत बड़े आर ओ आई डियर फ्रेंड्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपकी सालाना फीस सिर्फ एक लाख सात हजार एम आई डी फ्रेंड्स तो सोचो कितना अच्छा आर ओ है रिजर्व वालों के लिए तो नॉर्मली फरवरी के एंड में ही इनका फाइनल प्लेसमेंट्स खत्म हो जाता है अगर 2023 की एम प्लेसमेंट्स की बात करें तो इनकी मीडियम सैलरी थी ट्वेंटी सेवन लाख सिक्सटी थाउजेंड छः लाख ,00 के फीस में सत्ताईस लाख साठ हज़ार रुपए मीन सैलरी थी ट्वेंटी एट लाख रुपीज़ तो अगर मुझे रेट करना हो सैलरी uh, के लिए तो आउट ऑफ टेन मैं इसे नाइन मार्क्स दूंगा नाइन आउट ऑफ टेन मेरी रेटिंग है सैलरी के लिए माई डियर फ्रेंड्स अब बात करें क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स की तो अगर सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे एशियन पेंट्स पी एन जी कोलगेट ये सब बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनी रेगुलर रिक्रूटर्स है ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में इसे टेन में नाइन मार्क्स दे दूंगा सेल्स एंड मार्केटिंग के रिक्रूटमेंट के लिए माई डियर फ्रेंड्स फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रूल्स उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जो एबीसी में मिलेगा कंपनीज यहाँ पे हैं अच्छी कौन कौन सी हैं सिटी टी डी बस एच एस बी सी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं लेकिन क्या है कि जो फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रूल्स होते हैं वो आपको ए बी सी में ही मिलता है थोड़ा बहुत एल एक्सेल में मिलता है तो इसके लिए मैं इसे दूंगा फाइनेंस के लिए एट पॉइंट फाइव टेन में एच आर की बात करें तो एच आर के लिए उतना मशहूर ये कॉलेज है नहीं क्योंकि टेस्ट एक्सेल राय एम डी आई एस आई बी एम पुणे सबसे मशहूर कॉलेज हैं इसलिए मैं इसे सेवन आउट ऑफ टेन देना पड़ेगा मुझे ये भी क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स रही बात आर की तो आर एक समय में जे बी एम फीस और कम था दो लाख ,00 के आसपास था ओपन के लिए अभी छः लाख ,00 है तो थोड़ा सा आर कम हुआ है लेकिन कोई कम नहीं है इतनी अच्छी फीस है इसके ऊपर आर सिर्फ आपको एफ और टेस्ट ही देता है थोड़ा बहुत इसलिए इसे मैं आर में नाइन आउट ऑफ टेन दूंगा माई डियर फ्रेंड्स ये भी जमुना बजाज की रियालिटी आगे हमको कौन सा कॉलेज कवर करना है या आप मुझे कमेंट्स में बताओ ऑल द बेस्ट स्टे सेफ एंड टेक केयर